उन पेशनगोइयों की वजह से वर्ताए हैरत में डाल दिया। इन कार्टून की सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ ये कार्टून दिखाते हैं वो आने वाले कुछ सालों बाद जाहिर हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसकी उन पेशनगोइयों के बारे में बात करेंगे जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से सच साबित होता हुआ देखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों 1995 में एक फेस टाइम दिखाया गया जिसमें इस कार्टून सीरीज का एक करेक्टर टेलीफोन पर लाइव बात कर रहा है। हालांकि 1995 में टेलीफोन कुछ इस तरह होते थे, लेकिन 2010 में पहली बार ऐसे मोबाइल दुनिया की पहुंच में आए जिन पर आप लाइव बात कर सकते थे। फिर 1995 में एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच दिखाई गई जो पहली बार 2014 में दुनिया की पहुंच में आई, जिसे सैमसंग और एप्पल वगैरह की कंपनियों ने ईजाद किया। इसी तरह 1994 में एक गोप्रो दिखाया गया जो कि एक कैमरा है जो किसी हेलमेट या कैप में आप लगा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें पहले ही कैसे दिखा दी गई। इसी तरह अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे, 2003 में ही दिखा दिया गया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर ये भी दिखाया गया कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेगी और जीत ट्रंप की होगी। सन 2000 में ही एक एपिसोड में ट्रंप को सीढ़ियां उतरते हुए और हाथ हिलाते हुए दिखाया गया, जो 2015 में बिल्कुल हूबहू उसी तरह हुआ। लेकिन इसमें एक बहुत ही हैरानी की बात यह थी कि जब 2000 में ट्रंप हाथ हिला रहा होता है तो इसकी एक जानिब एक आदमी कार्ड उठाए खड़ा होता है और वो कार्ड नीचे गिर जाता है। बिल्कुल इसी तरह 2015 में यह हकीकत में होता है। फिर दोस्तों 2002 में इस कार्टून सीरीज में ये दिखाया जाता है कि जब ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो वो एक अरब मुल्क का दौरा करता है जिसमें वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है और वहाँ तीन लोग एक सफ़ेद और काले रंग के ग्लोब पर हाथ रखकर खड़े होते हैं। लेकिन फिर 2017 में जो दुनिया ने देखा उसने सबको हैरान कर दिया कि हकीकत में वही तीन लोग उसी पोजीशन में जिस तरह तस्वीर दिखाई गई और वही शक्लें और वही हुलिया बनाकर खड़े होते हैं और ये इंतहाई हैरानगी की बात है। फिर इसी तरह 2008 में एक वोटिंग मशीन के बारे में दिखाया गया कि एक शख्स बराक ओबामा को वोट देने के लिए क्लिक करता है लेकिन वो मशीन मिट रोमने को वोट दे देती है, जो कि 2012 में पूरा हुआ जब एक शख्स बाकायदा एक वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करता है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो शख्स बराक ओबामा को वोट देता है लेकिन वो मशीन उसके मुखालिफ को वोट दे देती है। फिर इन कार्टून्स में शाम के बारे में दिखाया जाता है कि बागी हथियार उठा लेते हैं और बाद में दुनिया हकीकत में देखती है। फिर 1989 को एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें 9/11 लिखा होता है, जो कि बाद में 2001 में हकीकत बनकर मुसलमानों पर जुल्म करने की वजह बनती है। इसी तरह एक और कार्टून्स में भी दिखा दिया जाता है कि 9/11 कमिंग सून। फिर 1997 में एक एपिसोड के दौरान दिखाया जाता है कि इस सीरीज कार्टून का एक करेक्टर इबोला वायरस की वजह से बीमार हो जाता है। लेकिन दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि 2014 में दुनिया पहली बार इबोला वायरस का शिकार होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा वायरस जिसका नाम दुनिया जानती तक नहीं थी वो 1997 को कैसे दिखा दिया गया और वो भी बकायदा नाम के साथ। फिर 1998 में डिज्नी फॉक्स स्टूडियो के लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है जो आज दुनिया में हकीकत में मौजूद है। फिर 2014 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप पहले ही सिम्पसन कार्टून्स में दिखा दिया जाता है कि जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम का कोई गोल नहीं होगा और दुनिया ने इसे हकीकत बनते हुए देखा। फिर नेमार के खिलाड़ी का जख्मी होना भी पहले ही दिखा दिया गया था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जैसे कि 3D टेक्नोलॉजी, दज्जाल और भी बहुत कुछ। अब पाकिस्तान के बारे में जो इस सीरीज में बताया गया वो भी इंतहाई खतरनाक है।
इसमें एक कैरेक्टर अखबार पढ़ते हुए बताता है कि भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इनको पहले ही पता चल जाता है कि दुनिया में क्या होने वाला है? तो जवाब है नहीं, बल्कि ये सब मंसूबे बनाए जाते हैं और इसे बहुत बड़े नेटवर्क चला रहे हैं। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में फरमाया करते थे कि वो दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल करेगा। वो आसमान को बारिश बरसाने को कहेगा तो वो बरसाएगा, वो ज़मीन को अनाज उगाने को कहेगा तो वो उगाएगी। और फिर हुजूर ने फरमाया, दज्जाल से पहले के चंद साल धोखा और फरेब के होंगे और लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करें, किस तरफ जाएं। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये दज्जाली कार्टून हो या कोई और चीज़। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।